गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया यानी 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? ठीक है, क्या जांच करने आएगी? तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो ध्यान देंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे तो ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले कि कुल कितने कलम है और कुल कितनी मूल्य है। ठीक है, सबसे पहला कलमों की कुल संख्या बराबर या कुल कलम बराबर कितना आएगी? 35। फिर लिखेंगे कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य बराबर कितना आएगी? 60 रुपया है। ठीक है, क्या तो 35 कलम है जिसका कुल मूल्य कितना आएगी? 60 रुपया है। अब लिखेंगे एक सस्ती कलम का मूल्य, क्या लिखेंगे? एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है जी? 1.50 रुपया। ठीक है, ये क्या है जी? एक सस्ती कलम का मूल्य है। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे एक महंगी कलम का मूल्य, एक महंगी कलम का मूल्य, एक महंगी कलम का मूल्य बराबर क्या देखा है जी? 2 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कुल कलम मालूम है, कुल मूल्य मालूम है, और एक सस्ती कलम का मूल्य मालूम है, और एक महंगी कलम का मूल्य मालूम है। ठीक है, अब हमें इसका मानना होगा कि एक जो सस्ती कलम की संख्या है वो हमें नहीं मालूम है, तो इसे हम लोग एक मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि सस्ती कलम की संख्या, माना कि सस्ती कलम की संख्या, कलम की संख्या संख्या बराबर x। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि हमने सस्ती कलम की संख्या मान लिया x, क्लियर है। अब लिखेंगे तो महंगी कलम की संख्या क्या आ जाएगा जी? नीचे लिखेंगे, इसलिए महंगी कलम की संख्या बराबर महंगी कलम की संख्या बराबर क्या लिखेंगे जी? अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमने एक सस्ती कलम की संख्या को x माना है। ठीक है, और कुल कितने कलम है जी? तो कुल 35 कलम है। तो जब हमने एक सस्ती कलम की संख्या को x मान लिया है तो फिर लिखा गया है कि एक महंगी कलम की संख्या, ठीक है, एक नहीं, यहाँ महंगी कलम की संख्या क्या मानेंगे? यहाँ आएगा 35 - x। ठीक है, क्या करेंगे? 35 - x
क्या है कि आपको मालूम कलम की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहां लिखेंगे एक शक्ति कलम का तुल्य मूल्य। ठीक है, यहां लिखेंगे कि एक शक्ति कलम का तुल्य मूल्य, एक शक्ति कलम का तुल्य मूल्य बराबर क्या लिखेंगे जी? अब पहले देखेंगे एक शक्ति कलम की संख्या कितने माना गया है, कितना माना गया है, x माना गया है। ठीक है, लिखेंगे x इंटू, अब देखेंगे जी एक शक्ति कलम का मूल्य कितना है जी, तो 1.50 रुपया है। लिखेंगे x इंटू 1.50 रुपया, क्या है कि यह आपको हो गया एक शक्ति कलम का कुल मूल्य हो गया, कुल मूल्य या कुल कीमत। ठीक है, ठीक है, सही लिखेंगे कि एक महंगी कलम का कुल मूल्य बराबर क्या लिखेंगे जी? अब देखेंगे यहाँ महंगी कलम की संख्या क्या माना गया है जी, 35 - x, और जैसे लिखेंगे इसकी संख्या क्या करेंगे इसके मूल्य से, 35 - x क्या है जी, ये महंगी कलम की संख्या है और इसका मूल्य कितना है जी, वो 2 रुपया है। इसमें 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इतना बात आप समझ चुके हैं। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, इतना बात आपका स्पष्ट हो गया है इस क्वेश्चन के थ्रू, अब लिखेंगे प्रश्न से। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो सस्ती कलम है और महंगी कलम है दोनों का मूल्य कितना है जी, 60 रुपया है। ठीक है, तो क्या करें दोनों को ऐड करेंगे, यानी x इंटू 1.5 प्लस 35 - x इंटू 2 इसका कुल कितना मूल्य है जी, ये सस्ती कलम है, ये महंगी कलम है, यानी ये सस्ती कलम का कुल मूल्य है प्लस ये महंगी कलम का कुल मूल्य है, बराबर कितना है जी, 60 रुपया है। बराबर 60 रुपये में हम इसे हल करेंगे। चलिए यहाँ गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ लिखेंगे 1.50x। ठीक है, 1.50x हो जाएगा गुणा करने के बाद, लिखेंगे प्लस, अब ये क्या हो जाएगा जी, गुणा करेंगे हो जाएगा 2×6 = 10, 2×3 = 6, 7×3 = 17 -2x = 60। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसको घटाएंगे, यानी 1.50x में घटाएंगे माइनस का 2x = अब ये प्लस का 70 है, ये जाएगा बराबर के दाएं तरफ पे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -7 - 70। ठीक है, अब यहाँ घटाने के बाद देखेंगे समान क्या प्राप्त हो रहा है, तो देखिए घटाएंगे 1.50 से 2, यानी कहने का अर्थ है कि 1.5 में से घटाएंगे 2। ठीक है, क्या देंगे जी, 0.50 मिलेगा, तो घटा कर हमें मिलेगा क्या जी, 0.5
ठीक है, यहाँ मिलेगा पॉइंट फाइव मिलेगा, ठीक है पॉइंट यानी जीरो पॉइंट फाइव एक्स मिलेगा इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा जी, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है, यहाँ आपका मिलेगा माइनस, ठीक है माइनस का जीरो पॉइंट फाइव एक्स इक्वल टू ये मिलेगा माइनस का टेन, क्या मिलेगा जी माइनस का टेन। अब यहाँ क्या होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा माइनस माइनस क्या बचा जी जीरो पॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर टू टेन, ठीक है। चलिए इसी अब इतना है, यहाँ पे ध्यान नहीं है, थोड़ा बोर्ड या फ्रेश नहीं है, अब सुनने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या पॉइंट के बाद फाइव एक्स स्क्वायर टू टेन है, अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है एक अंक है क्या फाइव, और फाइव क्या एक्स के गुणा में है, लिख सकते हैं यहाँ एक्स इक्वल टू एन वाई जीरो पॉइंट फाइव। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, ठीक है ये पॉइंट घटेगा क्या होगा जी, ये पॉइंट घटेगा तो नीचे दस होगा, होगा ना जी बिल्कुल होगा, लिख सकते हैं एन वाई ठीक है दस बाई, और यहाँ पे पॉइंट है तो घटेगा तो नीचे दस होगा, क्यों दस होगा जी क्योंकि पॉइंट के बाद एक स्थान है एक अंक है, यानी कहेंगे फाइव बाई टेन। अब ये टेन है ये फाइव के भाग में है, यहाँ से घटेगा तो इसके गुना में आएगा इसके टेन, अरे सकता है एक्स इक्वल टू टेन इंटू टेन बाई फाइव, ठीक है और ध्यान बैठेंगे एक्स इक्वल टू टेन इंटू टेन बाई फाइव कट जाएगा पांच गुणी दस और दस गुणी बीस, कितना आ गया जी एक्स का मान, तो एक्स का मान आ गया बीस। अब रिपीट कर रहा होगा तो हमें यहाँ एक्स का मान प्राप्त हो गया बीस, क्लियर है। अब चलते हैं आप बड़े क्वेश्चन में देखेंगे हमने एक्स को क्या रहा था शुरू में, क्या लिखा गया कि माना कि सस्ती क्रम की संख्या क्या माना गया एक्स, ठीक है यहाँ क्या माना जी आपने यहाँ सस्ती क्रम की संख्या माना एक्स, तो यहाँ ध्यान रखता एक्स माना गया कितना जी बीस, जबकि आप क्वेश्चन पूछता है ये मौलिक क्रम की संख्या कितनी होगी, ठीक है तो क्या करेंगे जी फिर लिखा गया है कि मौलिक क्रम की संख्या क्या पैंतीस माइनस एक्स, तो जितना एक्स का मान आया है उसको 35 से घटाएंगे तो ये मान क्रम की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए ठीक है यहाँ लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे ठीक है यहाँ लिखेंगे कि महंगी कलम की संख्या बराबर महंगी कलम की संख्या बराबर लिखेंगे 35 माइनस एक्स बराबर 35 माइनस बीस इक्वल टू 15, यानी जो महंगी कलम की संख्या कितनी थी 15 है, जो आपका सही आंसर होगा यह हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरा मामला इसका प्रोसेस हो गया है इससे आप लोग समझेंगे अच्छे से, इसका शॉर्ट तरीका भी है लेकिन हम आप लोग अभी पूरा बेसिक बताए हैं, इसलिए पहले आप लोग बेसिक समझेंगे उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका भी है उसे बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दो अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण बताना है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है। तो आप लोगों क्या करना है, आप लोगों को दो क्वेश्चन हल करना है, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में, इसे आप लोग हल करेंगे ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।